19 July 2022, न्यूयॉर्क-बेस्ड वन ऑफ द टॉप प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटीज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक पेपर पब्लिश हुआ, पैनिक एट द डिस्क्स। इस पेपर के रिलीज होते ही मानो पूरी की पूरी स्पेस कम्युनिटी में पैनिक सिचुएशन खड़ा हो गया। और ऐसा क्यों, यू मे आस्क? वेल, बिकॉज हर जगह पर यही चीज वायरल हो रही थी, दैट बिग बैंग नेवर हैपेंड। यस, जेम्स वेब प्रूव्ड बिग बैंग नेवर हैपेंड। अब यहां पर मी बीइंग अ स्पेस एंथुसियास्ट, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि गौरव क्या ये सब फेक है, तो मेरा जवाब होगा नो। क्योंकि यहां पर जो बात सामने आई है ना, दैट इज रियली एन एलिफेंट इन द रूम, उसे आप ऐसे ही करके इग्नोर नहीं कर सकते हो। बिग बैंग के घटने की जो डेट हमने कैलकुलेट करके रखी है, हो सकता है कि शायद वो डेट गलत है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे हमने स्पेस में स्पेस नॉलेज और टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए भेजा था, उसके रीसेंट डिस्कवरीज ने हमारे अब तक के पूरे स्पेस के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने वाली द बिग बैंग थियरी को ही डिसप्रूव करने में एक कदम बढ़ा दिया है। बेसिकली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो इमेजेस रिसेंटली कैप्चर किए हैं, उनमें से कुछ इमेजेस सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सी के भी थे। और जब हमारे वैज्ञानिकों ने उन इमेजेस की मदद से गैलेक्सीज को स्टडी करना शुरू किया, तब उन्होंने यह नोटिस किया कि जिन जिन ओल्डेस्ट गैलेक्सीज के इमेजेस उन्हें मिले हैं, उनसे आती हुई लाइट और उनके स्ट्रक्चर में कुछ तो प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम्स इतने बड़े हैं कि वो हमारे अब तक के किए गए थियोरेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर फिट ही नहीं हो रहे हैं। अब अगला सवाल यह आता है कि वो प्रॉब्लम्स आखिर क्या है। वेल, इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए मुझे आपसे एक सवाल पूछना पड़ेगा कि हम बिग बैंग हुआ था इस पे विश्वास क्यों करते हैं और क्यों उसके बेसिस पर दूसरी थियरीज बन रही है। वेल, द रीजन इस थियरी को आइंस्टाइन, फ्रेडमैन और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट ने थियोरेटिकली और मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया था। अगर हम इसे स्टार्टिंग से शुरू करने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड ये बिलीव करता था कि यूनिवर्स स्टैटिक है, वो स्टेबल है, वो डायनामिक नहीं है और ना ही वो एक्सपैंड होते जा रहा है समय के साथ। अब तब के समय में था तो ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस, यानी कि ऑब्जर्वेशन डिराइव्ड रियलिटी का एक इंटरप्रिटेशन था जिसे थियोरेटिकली प्रूफ करना बाकी था। सो आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करके इसे कहीं ना कहीं प्रूफ किया। लेकिन इस थियरी को सॉल्व करते वक्त उन्होंने एक प्रॉब्लम को फेस की। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिस इक्वेशन की मदद से वो पूरे यूनिवर्स में होने वाली सभी घटनाओं को आसानी से प्रूफ कर सकते थे, उस इक्वेशन में उन्हें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डालना पड़ रहा था टू प्रूव यूनिवर्स स्टैटिक। यानी कि हम फोर्सफुली ट्राई कर रहे थे यूनिवर्स को स्टेबल प्रूफ करने की बाय एडिंग अ मैथमेटिकल कांस्टेंट वैल्यू। और अगर यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है तो इसका सिंपल मतलब है कि उसका कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड हेंस द सीड फॉर बिग बैंग। आइंस्टाइन के बाद 1919 में डच फिजिसिस्ट डब्ल्यू डे सिटर ने बिना कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के जनरल रिलेटिविटी की मदद से यूनिवर्स स्टैटिक है ये प्रूफ किया। लेकिन जब उनके सॉल्यूशन को देखा गया तब ये पता चला कि उन्होंने अज्यूम किया था कि यूनिवर्स में कोई मैटर ही नहीं है। और अब इस कैलकुलेशन से कुछ साफ होता हुआ नजर आता है कि अगर यूनिवर्स में मैटर है तो वो स्टैटिक नहीं है, हेंस शायद बिग बैंग हुआ था। और फिर फाइनली 1922 में सोवियत फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने जनरल रिलेटिविटी को यूज करके ये प्रूफ किया कि इफ यूनिवर्स इज फिल्ड विद मैटर देन इसके हाई चांसेस है कि या तो हमारा यूनिवर्स ओपन है, मार्जिनली बाउंड है या फिर क्लोज्ड है। सो व्हाट डिड ही मीन? वेल, ओपन यूनिवर्स का मतलब सिंगुलैरिटी से स्टार्ट होने के बाद यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होते जा रहा है विदाउट एनी बाउंड्रीज। क्लोज यूनिवर्स का मतलब सिंगुलैरिटी से एक्सपैंड होने के बाद यूनिवर्स अपने सबसे मैक्सिमम साइज तक जाएगा और फिर वापस रिवर्स ऑर्डर में आके कोलैप्स कर जाएगा। इसे अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो बिग क्रंच कहा जा सकता है। और फाइनली मार्जिनली बाउंड यूनिवर्स का मतलब होता है यूनिवर्स सिंगुलैरिटी से बढ़ना शुरू करता है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका एक्सपेंशन रेट स्लो होते चला जाता है जब तक वो उसके मैक्सिमम साइज तक नहीं पहुंच जाए। अब अगर आप इन तीनों मॉडल्स को देखोगे तो इन तीनों के तीनों मॉडल्स में क्लियरली एक स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज वॉट वी कॉल टूडे एज द बिग बैंग। एज यू कैन सी, ये थियरी और मैथमेटिकल मॉडल बहुत पहले बना था और साइंटिस्ट आज के तारीख में भी इस थियरी को सही साबित करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं सो दैट हमें रिजल्ट्स उन थियरीज के प्रेडिक्टेड आउटकम्स के अराउंड ही मिले। इन थियरीज को आज के तारीख में हम टेस्ट करते हैं यूजिंग मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी या कह लो डिवाइसेस, जिससे हम रेड शिफ्ट्स को मेजर करते हैं, गैलेक्सी के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, यूनिवर्स में मौजूद एलिमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, मैटर और एंटी मैटर के कॉन्सेंट्रेशंस, ये सब को स्टडी करके हम बिग बैंग को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं ताकि आज के एक्सपेरिमेंट्स में हमें सेम रिजल्ट्स मिले जो थियरीज प्रेडिक्ट करती है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, JWST ने हमें काफी सारे ऐसे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस दिखा दिए
जो कि शायद थियरी को गलत प्रूव कर रही है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट दीज ऑब्जर्वेशंस वर। सो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोस्ट ऑब्वियस एंड विजिबल डेटा से, जैसे स्ट्रक्चर्स ऑफ गैलेक्सी। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, JWST ने हमें यूनिवर्स के कुछ अर्ली गैलेक्सीज के भी फोटोज भेजे हैं, और जब उन्हें साइंटिस्ट ने स्टडी किया तब उन्होंने ये नोटिस किया कि उन गैलेक्सीज का शेप काफी स्मूथ और वेल डिफाइंड है और काफी हद तक आज की गैलेक्सीज जैसा ही है। अब मॉडर्न फिजिक्स तो हमें ये कहती है कि किसी भी गैलेक्सी को ऐसे डिफाइंड शेप में आने के लिए कई बिलियन साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो अपेरेंटली बिग बैंग के बाद फॉर्म हुई ये गैलेक्सीज पहले से ही एक डिफाइंड शेप में है। मींस अगर उन्हें बिग बैंग के बाद उतना टाइम मिला है तो फिर बिग बैंग हम जब सोच रहे हैं शायद तब नहीं बल्कि उसके पहले हुआ था, या फिर इवन बिग बैंग जैसी शायद कोई चीज ही हुई नहीं है। अब चलो, JWST तो एक टूल है जिसमें एरर्स का आना भी जायज हो सकता है। So, उसके ऑब्जर्वेशंस को छोड़ हम अगर यूनिवर्स में मौजूद एलिमेंट्स की बात करते हैं तो भी बिग बैंग को डिफाई किया जा सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, बिग बैंग के तुरंत बाद जब यूनिवर्स बेहद गर्म था तब यूनिवर्स में कुछ लाइट एलिमेंट्स बन गए थे, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम, जो बाद में तब से लेकर आज तक कभी फॉर्म ही नहीं हुए। ऑफ स्टार्स के बनने के बाद पीरियोडिक टेबल में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स बने, लेकिन अगर हम आज यूनिवर्स में मौजूद लिथियम का काउंट देखें और उसे बिग बैंग के बाद वाले काउंट से कंपेयर करें तो वो काफी ज्यादा है। Which means, जिस पीरियड में हम इन एलिमेंट्स के फॉर्मेशन को स्पेक्यूलेट कर रहे हैं वो पीरियड हमने जितना सोचा है शायद उससे बड़ा है। मतलब अगेन, बिग बैंग शायद और भी पहले हुआ था। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं उस आर्ग्यूमेंट की जो बिग बैंग को तो प्रूफ कर लेता है लेकिन बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठाता है, दी मैटर एंटी मैटर कॉन्ट्रडिक्शन। बिग बैंग थियरी हमें कहती है कि फिलहाल हमारे यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो सब एक साथ बिग बैंग के टाइम पर ही क्रिएट हुआ था, अपेरेंटली आउट ऑफ नथिंग। लेकिन ये वेरी फैक्ट फिजिक्स के एक बेसिक लॉ के अगेंस्ट जाता है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। And hence, देखा जाए तो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि बिग बैंग थियरी इज इनकम्प्लीट, या फिर बिग बैंग शायद नहीं भी हुआ हो सकता है। अब आई नो आप सब यही बोलोगे कि जिन साइंटिस्टों ने इस थियरी को दिया क्या उन्होंने ये सारी गलतियों को नहीं सोचा? Well, सोचा था, और इसीलिए मैथमेटिकली उन्होंने इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देखा था, which was every action has an equal and opposite reaction. मतलब अगर बिग बैंग के समय मैटर फॉर्म हुआ था तो उसका ऑपोजिट एंटी मैटर भी फॉर्म हुआ होगा। बट अगेन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, द वेरी नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स इज समथिंग लाइक कि जैसे ही एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, एंड हेंस बिग बैंग शुरू होते ही खत्म हो जाना चाहिए था, राइट? लेकिन नहीं, साइंटिस्टों ने यहाँ पर हार नहीं मानी एंड दे स्टिल हैड एन आर्ग्यूमेंट कि हो सकता है कि शुरुआत में मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज्यादा था और इसीलिए आफ्टर बिग बैंग मैटर बच गया जबकि एंटी मैटर तबाह हो गया। अब यहां पर मे बी मैथमेटिकली आप प्रूव कर पाओ कि बिग बैंग हुआ था, लेकिन क्या ये आर्ग्यूमेंट कुछ ज्यादा ही स्पेक्यूलेटिव नहीं लग रहा? एक स्पेक्यूलेशन को सपोर्ट करने के लिए बिना किसी सॉलिड प्रूफ के आधार पर दूसरा स्पेक्यूलेशन डाल देना, डोंट यू थिंक दिस इज टू स्पेक्यूलेटिव? देखो, अभी तक बिग बैंग थियरी के काफी सारे वीकनेसेस हैं। इनके वीकनेसेस को सपोर्ट करने के लिए हम स्पेक्यूलेशंस और हाइपोथेसिस बना रहे हैं जिन्हें अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, और ये स्पेक्यूलेशन पे स्पेक्यूलेशन कब तक बनते रहेंगे? So, यहाँ पे बात ये है कि सालों से एस्टैब्लिश्ड हमारी बिग बैंग थियरी, जिसके बेसिस पे हमने काफी सारी थियरीज को एस्टैब्लिश किया है, और जब इस थियरी पर ही सवाल उठने लगे तो साइंटिफिक कम्युनिटी डेफिनेटली पैनिक तो होगी। सो मॉरल क्या है गौरव? क्या ये थियरी गलत है? और तुमने तो पर्सनली इस थियरी पर भी वीडियोस बनाए हैं। सो क्या ये थियरी कंप्लीटली रॉन्ग है? सो गाइस, यहां पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखना चाहूं तो मेरे हिसाब से दो आउटकम्स हो सकते हैं। फर्स्ट आउटकम, या तो बिग बैंग थियरी इनकम्प्लीट है और इसमें से कुछ जो आंसर्स हमें अभी तक नहीं मिले हैं, कुछ प्रेडिक्शंस करने के लिए, कुछ गैप्स फिल करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा स्पेक्यूलेटिव स्पेक्यूलेशंस यूज करने पड़ रहे हैं, मतलब आउट ऑफ द वे जाकर हमें वेग स्पेक्यूलेशंस यूज करने पड़ रहे हैं जस्ट टू फिल द गैप। बट डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि कुछ स्पेक्यूलेशंस है जो कि बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है और जो मैथमेटिकली भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हमें देंगे, लेकिन अभी के टाइम पे साइंटिस्ट उसे मिस कर रहे हैं। लेकिन आगे जाके जब और ब्रिलियंट साइंटिस्ट आएंगे तो वो सारे हाइपोथेसिस सामने आएंगे और वो ज्यादा रियलिटी से इनलाइन होगा और कैलकुलेशंस भी रियलिटी से इनलाइन होगा। अब यहां पर दूसरा आउटकम ये हो सकता है, वो ये है कि यस, बिग बैंग थियरी मे बी रॉन्ग, बट इस केस में तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट अपडेशन एंड अपग्रेडेशन। अभी के करंट सिचुएशन में बिग बैंग थियरी
कुछ क्वेश्चंस को आंसर करती है और कुछ क्वेश्चंस को आंसर नहीं करती है। आगे चल के हो सकता है एक न्यू थियरी आए जो कि बिग बैंग थियरी के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दे, और बिग बैंग थियरी आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पा रही है उन्हें भी आंसर कर ले, तो वो थियरी बिग बैंग थियरी को रिप्लेस कर देगी, बिकॉज दैट वुड बी अ मोर एक्यूरेट वर्जन ऑफ रियलिटी। सो आई थिंक चेंज एंड एवोल्यूशन एंड अपडेशन एंड अपग्रेडेशन इज अ क्वालिटी, इज अ प्रॉपर्टी विच इज इननेट टू द यूनिवर्स, टू द नेचर, यूनिवर्स नेचर चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, फंडामेंटल फोर्सेस तक इवॉल्व हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस सच इज द बिहेवियर ऑफ नेचर। तो ऐसे में अगर हमारी थियरीज अपडेट ना हो, हमारी थियरीज अगर इवॉल्व नहीं हो विथ टाइम, तो वो थियरीज किस काम की, बिकॉज थियरी का तो काम ही होता है ना चीजों को प्रेडिक्ट करना। तो अगर यूनिवर्स ही चेंज हो रहा है, लॉज ही चेंज हो रहे हैं और आपकी थियरी चेंज ना हो, तो इसका मतलब आपकी थियरी इज अ फेलियर। सो आई थिंक इन बोथ द केसेस साइंस की जीत ही हो रही है, इवन दो ऐसा दिखाई दे रहा है कि साइंस, यू नो, बहुत सारे लोग इसे ट्रोल कर सकते हैं कि ये देखो साइंस ने जो बोला था गलत निकला, साइंस हमेशा गलत निकलता है। वेल, गलत निकलना ही सही है, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे कि एक बात किसी ने बोल दिया सालों साल पहले और वो बात दुनिया भर में, यू नो, फॉर एवर एप्लीकेबल होने वाली है, तो यूनिवर्स का नेचर ही ऐसा नहीं है जहां पे सारी चीजें चेंज हो रही है, फंडामेंटल फोर्सेस तक चेंज हो रहे हैं। सो अभी के लिए फ्रेंड्स, वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच एंड जस्ट होप कि आगे चल के हमें कुछ न्यू आइडियाज मिल जाए जो मे बी बिग बैंग के ही गैप्स को फुलफिल कर ले, या फिर न्यू थियरी मिल जाए जो बिग बैंग से भी ज्यादा जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा, एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ आर यूनिवर्स इन अ मोर रियलिस्टिक मैनर। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? न्यू डिस्कवरीज, न्यू अपडेशंस मींस न्यू एक्साइटमेंट। एंड विद दैट सेड, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करो और पाए 1 लाख अपने डेमो अकाउंट में, और यूज करो मेरा प्रोमो कोड FLY30 रिप्लेनिशमेंट के लिए और पाओ 30% बोनस अपने डिपॉजिट पर। जाइए ट्रेड करें और पैसा कमाएं। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।